की बात करते हैं जो वजह कुल कायनात हैं, वो जो बेआसराओं का आसरा हैं, जो बेसहारों का सहारा हैं, जो यतीमों के बाप हैं, जो बेवाओं के सुहाग हैं, जो सादिक भी हैं और अमीन भी, और वही जो रहमतुल लिल आलमीन भी। कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्श कफे पा तेरा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहां भर पे है साया तेरा, अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा, एक बार और भी यसरब से फिलिस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। हाजिर ने बताऊ, आइए इस खूबसूरत मुशायरे का बाबरकत खुशबूदार मुअत्तर आगाज हुआ चाहता है। मैं चाहता हूँ कि नाते पाक सुनाने की सआदत दिल्ली दबिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी के हिस्से में आए, वो आए और गुलजार नबी से अकीदत के फूल चुने। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब के, तू अंधेरों में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, तू अंधेरों में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुम्बद खजरा में छुपा है सूरज, लोग सूरज के इशारों पर चला करते हैं, मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज। आली जनाब माजिद देवबंदी साहब। सीवान की अदबी और इल्मी अजमतों के तर्जुमान सदर मुशायरा, ख्वातीन हजरात, अध्यक्ष जी की मौजूदगी, इतने सारे अहम अफसरान और सियासी हजरात की मौजूदगी में मैं उसकी नात पढ़ रहा हूँ जो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। उसकी नात पढ़ रहा हूँ जिसने ये कहा कि 40 घर चारों तरफ अगर कोई भूखा है वो हिंदू मुसलमान नहीं तो हमारा खाना खाना जायज़ नहीं है। मैं उसकी नात पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जिसने ये कहा कि वतन से अगर हम मोहब्बत नहीं करते तो हम मुसलमान नहीं हैं। इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ मैं उसकी हमदो सना से करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जिसको सुनने के लिए, जिसकी नाज सुनने के लिए फरिश्ते मुंतजर रहा करते हैं। आप मुझे इजाज़त दें और एक गुजारिश है, आपने चाय का सिलसिला शुरू कराया ये तो आपकी मोहब्बत की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी चाय का सिलसिला 3 घंटे के बाद शुरू होना चाहिए। मजीद ये कि मैं किसी चाय वाले के लिए कुछ कह भी नहीं सकता इसलिए कि मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। अब तालियां बजा रहे हैं तो मर्दों की तरह बजाइएगा, लगे कि सीवान में मुशायरा हो रहा है। बहुत अच्छे जी डॉक्टर, मैं कुछ शेर पेश करता हूँ। माइक बहुत अच्छा है, जरा सा और अच्छा हो जाए तो मजा आ जाए। इजाजत है आपकी, समाप्त होना, इस बच्चे को हटा दीजिए ना, मना किया उसके बाद आ गया फिर ये क्या क्या बात है, हटिए हट जाइए बच्चा। नहीं कुछ डेकोरम होता है कभी सम्मेलन मुशायरे का। ठीक है जी, तशरीफ रखें दोस्तों, नाते पाक पढ़ी जा रही है, बहुत अदब और एहतराम का मुकाम है ये, बहुत आला और बड़ा बुलंद इसका मकाम है जी। वो जो आकाए हर जमाना है, 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 क्या कहने हमने रहबर उसी को माना है। आदाब, हमने रहबर उसी को माना है, क्या कहने सब। आदाब, हम लोग जब
गजल पढ़ते हैं तो आपसे कहते हैं आप दाद दीजिए, लेकिन जब हम नात पढ़ते हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें, इसलिए कि एक बार सुभान अल्लाह कहने से हमारे हिस्से में 70 नेकियां आती। तवज्जो चाहता हूं। वो जो आकाए हर जमाना है, हमने रहबर उन्हीं को माना है, हमने रहबर उसी को माना है। वाह, तवज्जो दीजिएगा मेरी तरफ। उसकी अजमत का क्या ठिकाना है, सुभान अल्लाह कहिए, मुलाहिज़ा फरमाए। उसकी अजमत का क्या ठिकाना है, जिसके जेरे कदम जमाना है, जिसके जेरे कदम जमाना है, उसकी अजमत का क्या ठिकाना है, जिसके जेरे कदम जमाना है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। आपके जहनों तक दस्तक देने की कोशिश करता है ये गुनहगार। हम जमी पर गुनाहगार सही, हम जमी पर बोलिएगा सुभान अल्लाह कहिएगा, हम जमी पर गुनाहगार सही, सर पे रहमत का शामियाना है, सर पे अदब। हम जमी पर गुनाहगार सही, सर पे रहमत का शामियाना है, हमने रहबर उसी को माना है। आखिरी शेर पेश करता हूं, आइए आइए जल्दी से आइए, तशरीफ रखिए। वो जो आकाए हर जमाना है, हमने रहबर उसी को माना है, हम जमी पर गुनाहगार सही, सर पे रहमत का शामियाना है। वक्ते से पहले आखिरी शेर, कई चैनल रिकॉर्ड कर रहे हैं आज का ये मुशायरा, हो सकता है लाइव भी जा रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया इस चैनल के हवाले से आज की ये महफिल सुनेगी और आपके लिए पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि यकजहती कौम, यकजहती इंसानियत, इंसान दोस्ती, अगर कहीं देखना हो तो उसको सीवान आना पड़ेगा और आपके दरमियान रहकर ये पैगाम जाएगा कि तुम न ईसाई न हिंदू न मुसलमान बनो, दौरे हाजिर का तकाजा है कि इंसान बनो। गम के मारो चलो वहीं पे चलें, गम के मारो चलो वहीं पे चलें, गम के मारो चलो वहीं पे चलें, बे ठिकानों का जो ठिकाना है। आदाब पढ़ी ना, गम के मारो चलो वहीं पे चलें, ठिकानों का जो ठिकाना है, सीरत मुस्तफा पढ़े माजिद, अदब, सीरत मुस्तफा पढ़े माजिद, खुद को इंसान अगर बनाना है। खुद बहुत शुक्रिया। सीरत मुस्तफा पढ़े माजिद,
खुद को इंसागर बनाना है, वो जो आकाए हर जमाना है। हमने रहबर उसी को माना है। बहुत शुक्रिया जी। देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों, महकती और मचलती हुई सांसों की खिदमत में अब्रार काशिफ का प्यार, एहतराम और सलाम। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हाज़रीन गिरामी, आपका इस खूबसूरत शेरी महफिल में, उर्दू मुशायरे और कवि सम्मेलन में आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करता हूँ। मैं सीवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद नहीं बल्कि दोहरी मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो इसलिए कि एक तरफ सियासत है, एक तरफ साहित्य है। हमारी विधानसभा, बिहार की विधानसभा सभा में अध्यक्ष बने हैं चौधरी साहब, और यहाँ हमारे साहित्यिक मंच पर अध्यक्ष बने हैं कमर सिवानी साहब। तो मैं दोनों को इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन दोनों अध्यक्षताओं की अदायगी पर सिवान इसमें शरीक होकर मुबारकबाद पेश करें। दोस्तों, इस तरह की महफिल को न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है। हम जानते हैं आज का ये मुशायरा कौमी यकजहती के नाम से मानवन है, कौमी यकजहती के नाम से मंसूब है। मैं बहुत सी बातें कौमी यकजहती के हवाले से यहाँ से करना चाहता हूँ, लेकिन चौधरी साहब आप हाउस की अध्यक्षता करते हैं। मैं माजी का एक वर्क उलटना चाहता हूँ, आपकी संजीदगी और दानिश्वरी चाहिए। 1923 का जमाना है, 1923 का जमाना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मुंतखब किया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया जाता है, और मौलाना अपने अध्यक्षीय भाषण में यानी अपनी सदारती खुतबे में एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इस वक्त आसमान की बदलियों से कोई फरिश्ता जमीन पे उतर आए और वो मुझसे ये कहे कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी इसी पल, इसी लम्हे और इसी वक्त मिल सकती है, बशर्त ये कि हिंदुस्तान अपने भाईचारे से, अपनी कौमी यकजहती से, अपनी इंसानियत से, अपनी हिंदू मुस्लिम एकता से इसको छोड़ दे और इससे अलग होकर सोचे, तो इसे, इस मुल्क को आज़ादी अभी मिल सकती है। तो मौलाना कहते कि मैं उस फरिश्ते से इनकार कर दूंगा, मैं ऐसी आज़ादी लेने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने में थोड़ी देरी हुई, कुछ ताखीर हुई, तो ये सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन हमारी कौमी यकजहती, हमारा भाईचारा और हिंदू मुस्लिम एकता जाती रही तो ये आलम इंसानियत का नुकसान होगा। इस रोशनी में हम कौमी यकजहती की जरूरत और अहमियत को समझ सकते हैं। आपने इल्म और इंसाफ की शम्मा यहाँ पे जलाई है। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, आओ आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें, कुछ तुम भी जिम्मेदार हो, कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, तुम भी अपने हाथ के सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। साहिर ने कहा था, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो के हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो हमने चौधरी साहब के हाथों से इल्म इंसान के, मौलाना मजहरुल हक साहब की 157 उनकी जयंती है, इसके उपलक्ष्य में, इसके अवसर और इसके मौके पर इस उर्दू और हिंदी हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसका मुजाहरा मुशायरे और कवि सम्मेलन की शक्ल में किया, तो आप लोग इसके बधाई के पात्र हैं। मैं आप लोगों को एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करते हुए